बड़ी बात क्या है? नो टाइम माननीय रामदास अठावले जी, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट का स्वरूप आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। माननीय रामदास अठावले, सिर्फ 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट। डिप्टी चेयरमैन सर, 2022-23 का निर्मला सीतारमन जी का बजट है विकास की गंगा। 2022-23 का निर्मला सीतारमन जी का बजट है विकास की गंगा। कांग्रेस वाले मत ले लो मोदी जी से पंगा, मत भूलो वरलिया रंगा, मत भूलो वरलिया रंगा, नहीं तो संकट आ जाएगा अंगा। कांग्रेस ने किया है भारत को भकास, कांग्रेस ने किया है भारत को भकास, लेकिन मोदी जी ने दिया है, मोदी जी ने किया है भारत का विकास। मोदी जी ने तो दिया है अंधेरे में प्रकाश, मोदी जी ने तो दिया है अंधेरे में प्रकाश, इसलिए दिख रहा है नीला नीला आकाश। तो आज ये जो बजट है, ये बजट गरीबों को न्याय देने वाला, मध्यम वर्गीय लोगों को आगे जाने का मौका देने वाला, बिजनेस करने वाले लोगों को भी मतलब सपोर्ट करने वाला, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, अपोजिशन के लोगों को प्रगति करने का मौका देने वाला बजट, सभी लोगों के विकास के लिए बजट है। और इस बजट में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए मतलब ये जो बजट है, हमारे शेड्यूल कास्ट का बजट 2021-22 का 1,26,259.20 करोड़ था, इस साल में 1,42,342.36 करोड़ का जो बजट है, ये बजट शेड्यूल कास्ट के लिए मतलब ये बजट इतना मिला है। हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीन था, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं है, प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना। हमें इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी हम और आप हर समुदाय के हर वर्ग के लिए कल्याण और भारत को शिखर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे संविधान में सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता आनी चाहिए, हर वर्ग को धन्यवाद, हाउस एडजर्न होना है, इसीलिए सभी लोकसभा बैठेंगे, प्लीज थैंक यू। आगे बढ़ने के लिए नाउ स्पेशल मेंशंस, काइंडली आप ले करें 5 मिनट सिर्फ।